हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा निटिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आज का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तीन कलर का डिज़ाइन है ये। इस डिज़ाइन को हम गर्ल्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज स्वेटर किसी में भी डाल सकते हैं, गर्ल्स टॉप में। बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को हम 4 के मल्टीपल से बनाते हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए तो यह डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं आपको 15 स्टेजेस में डाल कर दिखा रही हूँ। पहले आप बॉर्डर बुन लीजिए जो बुनना है, उसके बाद डिज़ाइन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं आपको 15 स्टेजेस में डाल कर दिखा रही हूँ। पहली रो हम पूरी सीधी, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और पहली रो पूरी सीधी सीधी बनाएंगे हम। इस रो को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे पूरी को। फ्रेंड्स, ये सेकंड रो है। इस रो को हम पूरा उल्टा उल्टा, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, सारा फंदे उल्टे बुनेंगे। इस रो के सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थर्ड रो है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना लिया, दो फंदे सीधे बुने और अब हम दूसरा फंदा जोड़ करके ग्रीन धागे से बुनेंगे। एक फंदे में से हम 3 फंदे बनाएंगे। पहले हम सीधा बुनेंगे, सीधा सिलाई पर एक लपेट लगाएंगे, फिर से हम सीधा बुन देंगे। एक फंदे से हमने 3 फंदे बना दिए। अब तीन फंदे सीधे हम वाइट ऊन से बुनेंगे। 2, 3, फिर से हम ग्रीन से एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। एक, दूसरा हम लपेट लगाएंगे, तीसरा फिर से सीधा बुनेंगे, फिर हम वाइट ऊन से बुनेंगे 3 फंदे। 1, 2, 3, फिर हम ग्रीन से एक फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे, फिर हम वाइट से बुनेंगे 3 फंदे लास्ट के। ये डिजाइन की 4th रो है। पहला फंदा बिना बुना, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे वाइट से, ये तीसरा ग्रीन फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और बीच वाला हम फंदा, दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर ये वाला ऐसे ही उतार लेंगे तीसरा, फिर हम वाइट से 3 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, ग्रीन से हम पहला फंदा, तो ग्रीन का हम बिना बुना ही निकालेंगे ऐसे ही, दूसरा फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, तीसरा फंदा बिना बुना, फिर से हम वाइट से 3 फंदे। 1, 2, 3, अब ग्रीन से हम पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा हम बुनेंगे ग्रीन से, तीसरा बिना बुना, वाइट से 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फ्रेंड्स, ये है पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 5th रो है ये पैटर्न की। फिर एक फंदा हम वाइट से बुनेंगे और एक ये ग्रीन वाला और एक ये वाइट वाला, इन दो फंदों को हम सीधे में एक बनाएंगे ऐसे, दोनों फंदों को एक साथ बुन देंगे हम, ग्रीन और वाइट ऐसे बुनकर। ये ग्रीन वाला फंदा हम ऐसे ही बिना बुना उतारेंगे, इस ग्रीन फंदे को हम ऐसे पलट करके ऐसे लेंगे और इस वाले वाइट के साथ बुन देंगे ऐसे।
एक फंदा सी वाइट कलर का सीधा बुनेंगे और एक ग्रीन और एक वाइट, इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। एक ग्रीन फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, दूसरा, तीसरे ग्रीन फंदे को हम पलट करके ऐसे लेंगे और वाइट के साथ बुन देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे वाइट से, वाइट वाला, और ये ग्रीन और वाइट इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। ग्रीन वाला बिना बुना फंदा लेंगे, ये एक ग्रीन और एक वाइट, इन दोनों को हम एक साथ बुनेंगे। दो फंदे वाइट के बुन देंगे हम। फिर अभी ये डिज़ाइन की सिक्स रो, पहला फंदा बिना बुना, दो फंदे वाइट से बुनेंगे, ग्रीन वाला बिना बुना ऐसे ही निकालेंगे, तीन फंदे वाइट से बुनेंगे उल्टे, ग्रीन बिना बुना ऐसे ही निकालेंगे, तीन फंदे हम वाइट से बुनेंगे, ग्रीन बिना बुना ऐसे ही निकालेंगे, तीन फंदे हम वाइट से बुनेंगे। फ्रेंड्स ये है पैटर्न की सेवन्थ रो, ये तीन फंदे हम बिना बुने लेंगे, पहला भी बिना बुना, दूसरा और तीसरा, इन दोनों वाइट फंदों को बिना बुना लिया, ग्रीन फंदे को हम बुनेंगे रेड से। एक फंदे से हम फिर से तीन फंदे बनाएंगे, पहले सीधा बुना, फिर एक लपेट लगाया, फिर से हम सीधा बुनेंगे। और ये तीन फंदे हम ऐसे ही उतारेंगे, फिर ग्रीन को हम बुनेंगे, पहले सीधा बुना, एक लपेट लगाया, फिर हमने सीधा बुना, उसको हम तीन फंदे ऐसे ही उतारेंगे, ये वाइट वाले, ग्रीन से पहले सीधा बुना, एक लपेट लगाया, सीधा बुना, ये फंदे तीन इसी सिलाई में रहने देंगे हम, यहीं से सिलाई को रिपीट करते हैं, ये अगली सिलाई स्टार्ट करते हैं यहीं से, ये वाले तीन फंदे इसी सिलाई में रहने देंगे ऐसे ही। इन धागा करेंगे पीछे ऐसे रेड वाला, और बैक लूप से तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, तीनों फंदे वापस से ऐसे ही निकालेंगे हम, ये वाइट वाले, धागा पीछे करेंगे रेड वाला, तीनों रेड फंदों को एक साथ सीधे में बैक लूप से बुन देंगे, धागा आगे करेंगे, ये वाइट वाले तीनों फंदे हम सिलाई में बिना बुने ऐसे ही लेंगे, धागा पीछे करेंगे, राइट साइड से बैक लूप से इनको सीधा बुनना है, धागा आगे करेंगे, तीनों फंदों को फिर से उसी सिलाई में ले आएंगे। ये है, यहाँ पे पैटर्न ख़त्म होता है। फिर से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हैं, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी के सब फंदे हम वाइट से सीधे सीधे ही बुनेंगे वाइट धागे से। रिपीट पैटर्न की रो स्टार्ट हो गई है। अब हम इनके बीच में जितना गैप लगाना चाहे वाइट के, जितनी भी रो बुनना चाहे उतना बुन ले, जितनी जिसकी जितना भी ये रखना चाहे चौड़ा पैटर्न बीच में, उतना वाइट बुन ले, बाकी ऐसे बुना जाएगा। फ्रेंड्स ये है डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बच्चों के स्वेटर में तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है, कलरफुल बहुत ही प्यारा लगता है, बेबी गर्ल हो या बॉयज़ हो, बेबी बॉयज़ किसी में भी बहुत प्यारा लगता है, गर्ल्स टॉप में, गर्ल्स स्वेटर में, लेडीज़ बुनना चाहें वो भी बुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बन करके ऐसे आता है, बनाना भी बहुत आसान है ये डिज़ाइन। फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।